नमस्कार दोस्तों, आज चलिए आप लोग को हम एक न्यू मॉडल आप लोग के लिए लेके आए हैं और उस मॉडल को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसका स्कैनर ड्राइवर सारी चीज़ डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में जो है कि हम वीडियो पे दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ टेक्निकल पीसेस जयल माथ और मेरे चैनल पर अगर नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। तो देखिए जो कि स्टार्ट में गए फ्रेंड्स, अब गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखना होगा HP LaserJet 138 NW। ओके, NW प्रिंटर, इसका हम लोग को जो है कि करना होगा ड्राइवर इंस्टॉल। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइवर लिख देते हैं। ड्राइवर लिखने के बाद यहाँ सर्च करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए HP LaserJet 138N, हाँ ठीक है, FNW सॉफ्टवेयर एंड ड्राइवर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको जो है कि आपको डाउनलोड करना होगा। देखिए नीचे में काफ़ी जो है दिख रहा है, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है ये सब में, आपको ओनली फॉर किस में जाना फ्रेंड्स, आपको जो है कि जाना होगा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए support.hp.com जो दिख रहे फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो कितना आसानी से फ्रेंड्स जो है कि आज हम लोग आप लोग को जो है कि सॉफ्टवेयर ड्राइवर इंस्टॉल कैसे करेंगे टोटली इस वीडियो पे हम आप लोग को दिखाने वाले। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जो है कि चूज कर लीजिएगा कि आपका मॉडल कौन सा है। तो यहाँ पे जैसे मेरा विंडोज 10 64-bit का, अगर आपका विंडोज 11 है, विंडोज 7 है या विंडोज 8 है, आप लोग यहाँ से जो है कि चूज डिफरेंट वॉइस करके जो है कि कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, ये चीज ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग को जो करना फ्रेंड्स, ऑल ड्राइवर देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, सॉफ्टवेयर ड्राइवर अपडेट है, ड्राइवर प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन का गाइड दिया हुआ और एक बेसिक ड्राइवर दिया हुआ फ्रेंड्स। ओके, तो मुझे यहाँ पे बेसिक ड्राइवर में नहीं जाना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए स्कैन ड्राइवर एंड प्रिंटर ड्राइवर दोनों का जो है कि बेसिक वाला दिया हुआ है, आपको कंप्लीट फुल इंस्टॉलेशन जो है कि ड्राइवर यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि आप लोग कर सकते, देखिए फार्मवेयर वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, ऑल फार्मवेयर यहाँ से मिल जाता है। अगर मान के चले आपका प्रिंटिंग स्लो चलता है या प्रिंटिंग में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप जो कि उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम जो आप लोग को जो करके दिखाने वाले हैं इस वो का प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर जो कि फुल ये करीबन 86 MB का है, इसको हम लोग को यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। देखिए ये जो कि सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर, इसको आपको डाउनलोड पहले सबसे पहले कर लीजिएगा। ओके, तो इसको हम जस्ट क्लिक किया फ्रेंड्स, बहुत आसानी से ये जो है कि डाउनलोड हो जाएगा। देखिए ये अभी स्टार्ट होने वाला है डाउनलोड, तो देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। इसको जो है कि ओपन करना फ्रेंड्स, क्लिक करके इसको एक बार ओपन करते हैं। तो जैसे ओपन करिएगा फ्रेंड्स, यहाँ रन का ऑप्शन आता है, तो इसको आप जो कि रन करना होगा और यहाँ पे यस करना होगा। तो यस करने के बाद एक्सट्रैक्टिंग हो रहा फ्रेंड्स, उसके बाद देख सकते हैं जो है कि ये मेरा प्रिंटर है जो कि 138 प्रिंटर है। ये ड्राइवर 131, 133, 135 जो कि प्रिंटर को भी सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कि आपको नेक्स्ट करना, हाँ फ्रेंड्स एक चीज़ सबसे पहले ध्यान देना होगा, ये ड्राइवर इंस्टॉल करने से पहले इसका जो USB कनेक्ट मतलब जो डेटा केबल है उसको आप कनेक्ट नहीं कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आपका जो है कि कनेक्ट नहीं करना फ्रेंड्स, जब यहाँ पे मांगा जाएगा तभी तो आपको जो है कि कनेक्ट करना। इसमें तीन कंडीशन में आप जो है कि कनेक्ट कर सकते हैं अपना प्रिंटर को। ठीक है, एक USB केबल से, लेकिन अभी कनेक्ट नहीं करना, जब यहाँ पे मांगा जाएगा तभी तो कनेक्ट करिएगा, या नेटवर्क कनेक्शन कर सकते हैं या वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन भी आप कर सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ वायरलेस नेटवर्क में देंगे तो आप यहाँ पे जो है कि देखिए वन बाय वन आप लोग को पहले बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए USB कनेक्शन, इसको अगर मतलब वायर के थ्रू से अगर अपना प्रिंटर को कनेक्ट करना चाहेंगे तो जो है कि यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट करना होगा। तो जैसे नेक्स्ट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कनेक्टिंग द प्रिंटर यूज USB केबल, यहाँ अपना जस्ट अपना प्लग कर देना है और कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इतना करके जो है कि आपको नेक्स्ट कर देना होगा। तो यहाँ हम कनेक्ट नहीं कर रहे, चलिए बैक जाते हैं। अभी तीसरा सेकंड नंबर आप लोग को जो है कि बता रहा है नेटवर्क कनेक्शन। अगर आपको मान के चलिए कोई लैन नेटवर्क में कनेक्टेड है, ऑल पीसेस अगर मान के चलिए आपका नेटवर्किंग जो है कि कोई हॉब के थ्रू से या स्विच के थ्रू से नेटवर्किंग में किया हुआ है और आपके पास अगर लैन केबल है तो आप लैन केबल के थ्रू से भी इसको जो है कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होगा, जस्ट लैन केबल को यहाँ पे प्लग करना होगा और जो कि यहाँ पे नेक्स्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट करने से मांगा जा रहा है आर यू सेटिंग योर प्रिंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो येस आई विल सेट अप माई प्रिंटर नेटवर्क फर्स्ट टाइम या नो प्रिंटर ऑलरेडी कनेक्टेड होम टू माई न्यू, या पहले से यह कथा तो यहाँ पे नो करना होगा। ओके, अगर फर्स्ट टाइम है तो इसको यस कर देना होगा। जैसे यस करिएगा यहाँ पे देखिए कनेक्ट द प्रिंटर यूजिंग द इथरनेट केबल, आपको जो इथरनेट केबल है इसको यहाँ पे आपको
कनेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप इसी में दो कंडीशन, अगर मान के चलिए आपका अगर आप आईपी एड्रेस कनेक्टेड है या आपको आईपी पता है कि आपका आईपी क्या है, तो आप सिलेक्ट मैनुअल आईपी एड्रेस करके भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैनुअल आईपी एड्रेस डालिएगा, लेकिन यहाँ प्रिंटर कनेक्ट मतलब लैन केबल कनेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। जब तक ना कनेक्ट नहीं करिएगा वहाँ पे नहीं आएगा, फिर आईपी डालने का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए इसको हम लोग बैक करते हैं, अब तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ फिर हम लोग जाते हैं फ्रेंड्स तीसरा वाला पॉइंट पे। तो तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे क्या फ्रेंड्स, देखिए वायरलेस नेटवर्क, तो वायरलेस यानी कि वाईफाई कनेक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि जाने वाले हैं फ्रेंड्स वाईफाई कैसे, इसमें वाईफाई के थ्रू से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो वायरलेस के थ्रू से। तो चलिए इसके लिए आपको इसको क्लियर करना, इसको जो है कि नेक्स्ट करना होगा। फिर सेम स्टाइल फ्रेंड्स, आई विल द सेटअप फर्स्ट टाइम या पहले से था, तो मैं फर्स्ट टाइम करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम किए। अभी जो है इसका वाईफाई का सेटअप करना पड़ता फ्रेंड्स। तो अगर वाईफाई का सेटअप करें यूजिंग ए डायरेक्ट वायरलेस कनेक्शन, या यूजिंग डायरेक्ट वायरलेस कनेक्शन करेंगे, या थ्रू ये जो सेटअप करेंगे मतलब प्रिंटर के साथ, वाईफाई से ऐसे नहीं होता फ्रेंड्स। उसको हमको जो है कि उसका आईडी पासवर्ड वहाँ पर डालना पड़ेगा राउटर का, तो उस हिसाब से इसको जो कि कॉन्फिगर करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वहाँ हम करके दिखा भी दिए हैं फ्रेंड्स कैसे करके जो कि वायरलेस के थ्रू से कनेक्ट करते हैं, वायरलेस के थ्रू से प्रिंटिंग कैसे करते हैं वो भी दिखाया गया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अगर आप कॉन्फिगर कर रहे हैं तो यूजिंग यूएसबी डेटा केबल से फर्स्ट टाइम जो है कि आपको कॉन्फिगर करना होगा वायरलेस के लिए, माने वायरलेस के लिए जो सेटअप करना फ्रेंड्स थ्रू यूएसबी डेटा केबल से आप कनेक्ट करके आप उसको सेटिंग कर सकते हैं। तो बस अगर आप वायरलेस के थ्रू से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी आई बटन में दिया रहेगा फ्रेंड्स, वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। 100% जो है कि आप अपना प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएंगे या जो इंस्टॉल करना चाहते हैं उसको आप लोग इंस्टॉल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ जो है कि हम आज जो अभी आप लोग को करके दिखाए, ये 138 प्रिंटर का है फ्रेंड्स, ये एचपी का, तो एचपी लेजरजेट 138 FNW प्रिंटर का इंस्टॉलेशन के बारे में दिखाया। अगर आप 32 या 132 या 136 प्रिंटर के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने दिखाए हैं, आप लोग वहाँ से वायरलेस के तो सेटअप कैसे करेंगे वो भी आप लोग जो है कि वीडियो पे डिस्क्रिप्शन पे जाके या तो आई बटन से जाके आप लोग वीडियो देख के अपना प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।